बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमैरा नबी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कीमा कड़ा मसाला बनाऊंगी, जिसकी तरकीब बहुत आसान है और झटपट ये तैयार हो जाने वाला है। इसके लिए करना आपने ये है कि आधा किलो के करीब मटन का कीमा लें, साथ में आपने एक अदद दरमियानी प्याज लेनी है, जिसमें से आपने हाफ को चॉप कर लेना है, हाफ को पीस लेना है, और साथ में आपने 5 से 6 जड़े लहसुन के लेने हैं, और इन दोनों को आपने कीमे के अंदर मिला देना है मैरिनेट होने के लिए। इसके साथ साथ आपके पास मौजूद होने चाहिए तकरीबन 3 अदरक टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्चें, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा वो प्याज जिसको हमने चॉप किया था वो। अब आपने इसके साथ साथ ये लेना है आधा प्याली के करीब दही, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक मिलाना है, साथ में आपने काली मिर्च मिलानी है, उसको हल करना है, और बाद में कीमे के अंदर आपने इसको मिक्स कर देना है। और मैरिनेट होने के लिए आप इसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी मसाले की बुनवाई की तरफ। तो आपने कोई सी भी कढ़ाई लेनी है, नॉनस्टिक भी ले लें, लेकिन मैंने जो बर्तन लिया है उसके अंदर ये कीमा जो ज़्यादा जूसी बनेगा। अब आप अपने आधा प्याली के करीब मैंने डाला है ये ऑयल, आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें। उसके बाद इसके अंदर आपने प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है, फिर जो मैरिनेट किया हुआ कीमा था वो इसके अंदर मिला देना है। थोड़ी देर इसको चम्मच चलाते हैं, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मिला दें, और थोड़ी देर मज़ीद इसकी बुनवाई करें। फिर आप इसके अंदर टमाटरों को शामिल करें, और साथ में आप सब्ज़ी मिर्च जो है वो डाल दें। अब आते हैं खड़े मसालों की तरफ। इस पर हमने सूखा धनिया लेना है, साबुत मसाला लेना है, साथ में नमक लेना है, काली मिर्च, हल्दी हसबे जायका, और इसके अंदर मिक्स करें, और थोड़ी देर आप इसको चम्मच चलाते रहें, तो आपके सामने ये मौजूद होगा खड़ा मसाला तैयार। अब आप इसके ऊपर जूलियन स्टाइल अदरक डाल दें, साथ में आपने सब्ज़ धनिया डालना है, और लीमू इसके अंदर निचोड़ दें, और इसको आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। दुआ में याद रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।